हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल यूके नॉलेज हब। मेरा नाम शीश है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयरिंग माय वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके के करंट सिचुएशन के बारे में। यूके में क्या हालात चल रहे हैं, जो लोग नए आए हैं यूके में उनको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे सेप्टेम्बर इनटेक गया है तो काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आए हैं, तो उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, कैसी सिचुएशन है यूके में, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे आज की डेट है जी 17th of October, जैसे अक्टूबर का हाफ मंथ हो चुका है, तो अभी यूके में क्या हालात चल रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि यूके के बारे में, यूएसए के बारे में, कनाडा के बारे में, किसी और अदर कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँच सके। तो बात करते हैं जी यूके में कि करंट सिचुएशन के बारे में। जैसे सितंबर इनटेक में काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट को तो काम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी जैसे यूके में एक तरह का रिसेशन चल रहा है, काम की बहुत दिक्कत है सभी को। तो इवन कि स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो कि यहाँ की सिटीजनशिप है, जो जिनके पास सिटीजनशिप है, जो यहाँ के PR लोग हैं, उनको भी काम का दिक्कत का बहुत का सामना करना पड़ रहा है। बट अभी जो टाइम चल रहा है यूके में, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अगले साल दिसंबर के बाद, इस साल दिसंबर के बाद मार्च अप्रैल तक ठीक हो जाएगा। जो लोग जनवरी सेशन में यूके आने के बारे में सोच रहे हैं, उनको मेरी यही एडवाइस है कि लोगों की बातों पे मत जाएं कि यूके में काम नहीं है। जब मैं 2010 में आया था, 2010 में आया था, तब भी सेम सिचुएशन थी, काम नहीं मिलता था दो दो तीन तीन महीने। मुझे भी जब 3 महीने फ्री था, मैं 2010 में जब मैं आया था, 3 महीने मुझे काम नहीं मिला था, तो मैं भी बड़ा हताश हुआ था, मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बट जब काम मिला तो सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसा ही है, जो लोग नए यूके में आना चाहते हैं, सितंबर इनटेक गया है, जनवरी आ रहा है, जनवरी इनटेक में जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि अभी कारण ये है कि कुछ 2 सालों से यूके ने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस वीज़ा पे बहुत लोग आ गए हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट वीज़ा पे मोस्टली जो स्टूडेंट आए हैं उनके साथ डिपेंडेंट आए। डिपेंडेंट को फुल टाइम काम होता है, जब भी हम काम मांगने जाता है, स्टूडेंट जब काम मांगने जाता है तो वो यही पूछता है कि आपके पास पार्ट टाइम अवेलेबल है काम, या आपको परमिशन है, या फुल टाइम की। मोस्टली लोग फुल टाइम वालों को काम पे रखते हैं। तो जब अभी सितंबर इनटेक में लास्ट था कि अभी डिपेंडेंट आएंगे, नवंबर दिसंबर में भी आ सकते हैं जिनकी जो फाइलें लगी हुई हैं, बट जनवरी से जो डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं, जनवरी से सिर्फ टायर टू जो वर्क वीज़ा पे आएंगे उसके साथ ही डिपेंडेंट आ सकेगा, बट वो भी बहुत मुश्किल कर दिया है। उनको पूरा अपना रिलेशन शो करना पड़ेगा, शादी को जेन्युइन शो करने पड़ेगी, आप कब मिले थे, कितने टाइम से शादी हुई है, कब से आप मिल रहे हैं, कब आपकी जो पहली मुलाकात हुई थी, ये सारा कुछ पूछेंगे। बहुत डिपेंडेंट वीज़ा ही बहुत हार्ड कर देंगे टायर टू वालों के लिए। तो अभी डिपेंडेंट आना बंद हो जाएंगे तो काम का थोड़ा सिलसिला खुल जाएगा, क्योंकि अभी जो भी कोई रखता है तो डिपेंडेंट वीज़े वाले को काम मिल जाता है, क्योंकि उसके पास फुल टाइम परमिशन होती है, और स्टूडेंट वीज़े के पास 20 आवर्स होते हैं, इसलिए लोग फुल टाइम वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिससे की वजह से अभी जनवरी से डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो रहा है, तो फुल डिपेंडेंट आना बंद हो जाएंगे, तो वो हो कि पार्ट टाइम जॉब बहुत खुल जाएंगी, क्योंकि जब फुल टाइम नहीं मिलेंगे तो पार्ट टाइम तो रखना ही पड़ेंगे इनको। तो ऐसा है कि अभी इस टाइम थोड़ा यूके में काम की दिक्कत है, और रूम भी बहुत महंगे हो गए हैं। जैसे कि अभी एक बॉक्स रूम, जिसको सिंगल रूम छोटा रूम होता है, वो पहले 250 का 300 का मिल जाता था, अभी वो 450 का मिल रहा है, और डबल रूम जो आगे 600 का मिलता था, अभी 700-800 का मिल रहा है। अगर आपके साथ बच्चा है, कपल है, तो वो मुश्किल से रूम मिलता है। बट काम मिल रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि काम नहीं मिल रहे। जैसे कि आपको मैं सिटीज़ की बात बताता हूँ, जैसे लंदन में काफ़ी काम है, बर्मिंगम में भी काम है, सिटी में मैनचेस्टर में भी काम है, बाकी दूसरी जगह पर थोड़ा काम की दिक्कत है, बट काम मिल जाता है। काम ढूंढने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे काम मिल सकता है। आपको अच्छा CV बनाना होगा, बाहर निकल के जॉब का पता करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी जो हालात हैं यूके, बस ऐसे ही मिक्स से हालात हैं, कहीं को काम मिल रहा है, कहीं को नहीं मिल रहा है। हाँ, जिनके जहाँ पे कोई रिलेटिव हैं, कोई रिश्तेदार हैं, या फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले बैठे हैं, रेफरेंस की वजह से काम मिल जाता है, वर्क भी मिल जाता है, एकोमोडेशन भी मिल जाती है। और जो नए और लोग आते हैं उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके कोई रेफरेंस, कोई लिंक नहीं होते, और जिन लोगों के लिंक है वहाँ उनको यूके में काम मिल रहा है, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, चल रहा है सभी। बट हताश होने की ज़रूरत नहीं है, काम मिल जाएगा, ट्राई करते रहो तो काम मिलेगा। और जब आप आते हो तो सबसे पहले अपने प्रोविजनल लाइसेंस और जो कुछ और डॉक्यूमेंट है काम के, वो बना लो,
तो धीरे धीरे काम मिल जाता। जब मैं भी आया था तो स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता था, 3 महीने मैं फ्री बैठा था, काम नहीं मिला था। जब काम मिला तो आज तक, फिर 2021-23 चल रहा है, आज तक कभी फ्री नहीं बैठा। तो ऐसे होता है स्टार्टिंग में, थोड़ा जब हम लोग नए आते हैं थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप अपना टाइम बीतता जाएगा, आपके लिंक बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे आपको जॉब मिलती जाएगी। तो होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि यूके के बारे में, किसी और अदर कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा आप तक जरूर पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू।